नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चौथ बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर 25 सालों से बंद पड़ी नर्सरी में प्लांटेशन का काम शुरू कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से प्लांटेशन में विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। चौथ बरवाड़ा में चौथ माता मार्ग पर स्थित वन विभाग में 25 वर्ष पहले विभिन्न प्रकार के पौधे तैयार किए जाते थे, परंतु पानी के अभाव में यहां प्लांटेशन का कार्य बंद हो चुका था। नाका प्रभारी पूरण बेरवा ने बताया कि प्लांटेशन का काम 25 साल बाद शुरू किया गया है, जिसमें गुलमोहर, गुलाब, चमेली, करंज, केसर, अर्जुन आदि विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। नाका प्रभारी ने बताया कि 1 जुलाई से इन पौधों को जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मैं पूरनमल बेरवा, नाका प्रभारी, चौथ का बरवाड़ा। जी सर, ये अभी पौधे लगाए हैं आपने, क्या क्या किए हैं ये? यहाँ पौधे अपने गुलमोहर के हैं, फूलों में अपने गुलाब के हैं, चमेली के हैं, चांदनी के हैं, भोगन बेल लगाए हैं, और छायादार में अपने गुलमोहर हो गया, करंज हो गई, और केसर श्यामा हैं, अर्जुन के लगाए हैं। ये अपने पौधे यहाँ बांस के तैयार किए हैं। कितने वर्ष हो गए सर पौधे लगाए हैं यहाँ? अभी इसी साल ये नई नर्सरी खोली गई है। काफ़ी 20-25 साल पहले यहाँ नर्सरी थी, उसके बाद में ये नई नर्सरी इस साल खोली गई है, जिससे यहाँ आम जनता को पौधे मिल सके। कब से शुरू करोगे सर पौधे? अब यहाँ 1 जुलाई 2020 से ये नर्सरी पौध वितरण चालू हो जाएगा। कितने पौधे लगा दिए अभी यहाँ? अभी 17,500 पौधे तैयार किए हैं, जिसमें से 15,000 तो RFBP योजना से तैयार किए हैं, और 2,500 पौधे हैं जो कैंपा योजना से तैयार किए गए। भावी योजना कितनी है पौधों लगाने की? योजना यहाँ पे विविध मद से अलग अलग योजनाएँ हैं, 7-8 योजनाएँ हैं, नरेगा से हैं और फार्म वनविदा योजना है। लेकिन अभी जो नई नर्सरी है, अभी हमने शुरुआत की है, और आगे और ज़्यादा पौधे तैयार करने की कोशिश करेंगे।